जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने भूसा बनाने वाली मशीन स्ट्रिपर के उपयोग पर 30 अप्रैल तक रोक लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर में गेहूं की फसल तैयार हो रही है और जिसकी सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण आवश्यक है। पिछले साल गेहूं की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण व्यापक रूप से क्षति हुई थी और गेहूं की तैयार फसल को कृषकों द्वारा कंबाइन मशीन और हाथों से मढ़ाई की जाती है, जिसको देखते हुए कृषकों द्वारा कंबाइन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन स्ट्रिपर से गेहूं के बचे हुए डंठल को काटकर भूसा बनाया जाता है तथा पिछले वर्ष के अनुभव एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्ट्रिपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाता है, जिसके कारण आसपास गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की आशंका उत्पन्न होती है, जिसको देखते हुए 30 अप्रैल तक फसल अवशेष काटने हेतु स्ट्रिपर मशीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, नहीं, जैसे पिछले सालों के अनुभव से जो फायर की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं होती थी, इसके लिए गत वर्ष के भांति ही इस बार भी रिपर मशीन से जो कटाई होती थी उसके लिए प्रतिबंधित किया गया है और उसके लिए आदेश किया गया और उसका अनुश्रवण हमारे ग्रामीण ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण, लेखपाल, सेक्रेटरीज के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। थानों को और तहसील के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई अनहोनी घटना यहाँ पर ना हो।